अगर कोई नेगेटिव बात करता भी है ना तो मेरे पास एक ही जवाब होता है कि मैं बोलता हूँ जरा तमीज से बात करो। नाम है जुबैर, नाम है जुबैर भाई, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तस्वीर लेनी है तमीज से अकेले, गोद में उठाना, ये करना, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हो। भाई तैमूर भाई आई मिस यू। ये क्या, ये तो आपने शुरू होते के साथ ही खत्म कर दिया। ये छोटा सा मैसेज ही होता है यार, मैसेज में बड़ा दे दूं तो फिर छोटा क्या रहा इसमें। रियल लाइफ में थोड़ा बंदा मुख्तलिफ होता है, हम किस उसमें जा रहे हैं, किस हमारे जहन में क्या बातें चल रही हैं। अब आके आदमी पकड़ के तस्वीर देना भाई, अब ये थोड़ी होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे है रिजवान आप? अल्लाह का शुक्र। जी कौन भाई? मैं एंटरटेनमेंट की तरफ से, रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। खैर मुबारक। हम सोच रहे थे क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें और आपकी टीम के साथ करें, तो बताएं अवेलेबल हैं आज? अवेलेबल सूट चल रही है, मैं जी अवेलेबल हूँ, घर पर ही हूँ अपने ही, सूट चल रही है, टीम भी यहीं पर ही आई हुई है। तो आप लोग कब तक आ रहे हैं? बस हम इफ्तारी के वक्त ही आएंगे, उससे थोड़ी सी देर में आएंगे हम, ठीक है। और इफ्तारी की तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, वो हम खुद ही लाएंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आप खूबसूरत लोग आए और इफ्तारी की तकल्लुफ भी हम ना करें? खूबसूरत लोगों के लिए तकल्लुफ हम खुद करेंगे, आप टेंशन ना लें। मेहमानों के लिए कोई तकल्लुफ नहीं होती, आप आ जाए टीम, इंशाल्लाह मैं एक दो बंदे नहीं है उनको भी बुलवा लेता हूँ मैं, चले ठीक है। ये तो सरप्राइज दिया यार आप लोगों ने आज। बस ठीक है जी, थैंक यू, आपसे होती है मुलाकात। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह समोसे दे दें, रोल दे दें, साथ में कचौरी दे दें और पकौड़े भी दे दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रिजवान? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसे हैं? आपको भी रमजान मुबारक। बिल्कुल खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या हो रहा है रमजान में, क्या रूटीन्स हैं? रूटीन्स तो कुछ ऐसी, अभी तो फिलहाल शूट चल रही थी कंटिन्यू, जुबैर भाई भी यहीं पे थे, अभी हम लोग यहाँ पे आजकल हमारी चैलेंजेस वीडियोस काफी चल रही हैं तो उस पे काम चल रहा है। तो वो थ्री मस्केटियर्स होते हैं ना, कहाँ है तीसरे? तीसरे असल में उनकी दो तीन दिन से थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो इस वजह से। अच्छा ऐसा है भाई, आप बताएं कैसी हैं, सबसे पहले ये बताएं। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, इफ्तारी भी ले लीजिए वरना फिर आप कहेंगे मैं लाई नहीं। मैंने देखे, मैंने कॉल पे इसलिए कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल का ये हो गया जो गैस नहीं आ रही ना तो जो मेहमान आए वो खुद देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और आप बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है भाई रिजवान के साथ। बिल्कुल, रिजवान के साथ काम करके कैसा लगता है? रिजवान भाई के साथ काम अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा लगता है क्या? मैं क्या चॉकलेट खिला रहा हूँ आपको क्या रोज, जो आपको अच्छा लग रहा है काम? मतलब टीम के साथ जो मजा है ना, अकेले में नहीं है। अकेले में नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने कितने साल बाद एज ए टीम किसी के साथ काम दोबारा करना शुरू किया है? तो तकरीबन फर्स्ट टाइम है, बाकी पहले तो मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, इनका फर्स्ट टाइम ही है। मैं मुझे बहुत कुछ सीखने से मिलता है इनसे। इनका एक सीक्रेट भी है, वो ये है कि आप बताएं, आपकी शादी हुई है? मेरी नहीं, नहीं नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई। मामू मामू बोले जब कर नहीं, और इनकी माशाल्लाह, मैं आपको बता, दो शादियां माशाल्लाह। या भाई, मैं ये कैमरे में जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हमारी एक नहीं हो रही है माशाल्लाह। ये बतानी नहीं थी, ये बात बतानी नहीं, बात दबाओ। अब क्या करें, अब तो हम कट भी नहीं करेंगे एडिट पे। नहीं नहीं, ये अब जो चल गया वो चल गया। ये भी नहीं बतानी थी, दो बच्चे अभी हैं। ये भी नहीं बतानी, ये भी नहीं बतानी। ओह, अब क्या करें, अब तो सब बता दिया, तो रिकॉर्ड हो गया। अब क्या राज, क्या है राज? अब राज ये आपको नहीं बता सकता। राज बहुत खूबसूरत है, बात ये कि ये बहुत खूबसूरत है, इसीलिए तो जब दो शादियां हुई है भाई। कैसे जा रहे हैं रोजे इस महंगाई के दौर में? महंगाई है, महंगाई तो बहुत है। इनके ऊपर से भी जिम्मेदारी नहीं ना, इसलिए ये सवाल करेंगे महंगाई है कि नहीं। मतलब इनकी शादी हो जाएगी ना, फिर इनको सब पता चलेगा कि चीनी और दाल क्या भाव मिल रही है। बिल्कुल, क्या भाव मिल रही है, वेरी प्रोफेशनल। नहीं देखें, महंगाई वाकई है, लेकिन वही बात है ना कि अल्लाह पाक इस महीने में हर किसी को खिलाते हैं। जरूरी नहीं कि महंगाई है तो कोई खा नहीं पा रहा। हर वो बंदा इस महीने में खा रहा होता है, जो सारा साल भी नहीं खाए ना वो इस महीने खा रहा होता है, क्योंकि इस महीने हर बंदा एक दूसरे की मदद कर रहा होता है। तो बस फिर तो चल रहा है इसी तरह निजाम सारा, अल्लाह पाक। वेरी नाइस भाई, ये वाला निजाम भी चल रहा है। तो प्रैंक वीडियोस कैसी चल रही हैं भाई? इस टाइम अगर बात की जाए प्रैंक्स की, तो न्यू टैलेंट इस टाइम नंबर वन चल रहा है हमारा चैनल। माशाल्लाह, ये मैं अपने चैनल है, मैं इस पे काम कर रहा हूं, इस वजह से नहीं, आप सर्चिंग में भी जाके देख। नहीं नहीं बिल्कुल चल रहा है, आपके गेम्स तो ऐसे वायरल हो रहे हैं भाई, वेरी नाइस। ये किसका आइडिया था चैलेंजेस वीडियो? ये हमारे डायरेक्टर हैं,
प्रोड्यूसर नुमान भाई जो ऑनर है इस चैनल के, ये उनका आइडिया है बेसिकली। अच्छा, उनका आइडिया। तो आप लोग फिर किस तरह से उसको गेम्स को फिर शूट कर रहे होते हो, कैसे पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, पैसे देते हैं या ऐसे दिखावे के लिए होते? देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखिए इसमें ये होता है कि पहले पूरी प्लानिंग होती है, पूरी टीम है हमारी तकरीबन 12 बंदों की, ठीक है। देखें उसके अंदर कुछ लड़के ऐसे हैं जो सारी चीजें लाइनअप करते हैं, क्योंकि चैलेंज आता 3 मिनट का 4 मिनट का, उसको करने में हमें घंटों लग जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही घंटों क्योंकि उसको फ्रेम को सेट करना, चीजें लाना, उसको बनाना। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, उसके अंदर जो चीजें बनी हुई होती है ना, वो सब हम लोग खुद बनाते हैं बैठ के। अच्छा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती, कोई बॉक्स अगर आपको दिख रहा है उसमें बना हुआ, उसको हम खुद हाथ से, ये जुमेरा में खुद बना रहे होते हैं। मैं व्लॉग एक डालूंगा तो उसमें ये सारी चीजें बताऊंगा। वेरी नाइस, ये सब चीज हम खुद करते हैं मेहनत। क्या हम ये नहीं सोचते कि अगर हम आर्टिस्ट हैं तो भाई ये काम मैं क्यों करूं? पर मुद्दे की बात वही रह गई ना, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते? अच्छा, ये अभी तक वही है, ये नहीं बोले। देखिये मैं आपको सच बताऊँ, इसमें ये होता है की कभी ऐसा होता है की पैसे जो हम जीतते हैं ना वो मिलते भी हैं। अच्छा। जब जब अगर ज्यादा इनसे ज्यादा मेरा चैलेंज लग जाता है ना, तो फिर मैं बोलता हूँ भाई ये मैं नहीं दूंगा पैसा। अच्छा। अगर मैं जीत गया तो भाई ये वैसे आने तो हमारे पास ही होते हैं पैसे, एंड के महीने में हमारे पास सीन हो जाता है। तो भाई जब घर की बात हो ही रही है, आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा घर में हेल्प करता है रमजान के वक्तों में? ये तो दादा है हमारे, बुजुर्ग है। नहीं वैसे मैं एक सीक्रेट एक और बताऊंगा, जुबैर भाई को बड़ा शौक है कि आपके घर में शादी ब्याह का कोई चीज त्यौहार है ना, जुबैर भाई को बुला लें, कनाते दरिया डेकोरेशन खाना पीना सब ये संभालेंगे आप, रिलैक्स होके बैठे, ये इनके अंदर टैलेंट है बहुत। ठीक है, वो हमने तो सुन लिया, लोगों ने भी सुन लिया। जुबैर भाई आपके पास कॉल आने वाली है, ये आपकी बुकिंग हो गई है समझ लो, फिर तो तुम्हारा जीना आराम हो जाएगा बता दो। फिर तो भाई से अभी कॉल करना शुरू हो जाएगी कि हमारे इवेंट प्लान कर ले, हमारे अभी एक हमारा पार्टनर है नहीं, वरना और मजा आता आपको। तैमूर भाई हमारे साथ है नहीं अभी। ओ, कोई बात नहीं, चले सेट नहीं वो नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो वीडियो देख ही रहे होंगे, एक छोटा सा फनी सा मैसेज उनको दे दें भाई, तैमूर भाई आई मिस यू। ये क्या, ये तो आपने शुरू होते के साथ ही खत्म कर दिया। ये छोटा सा मैसेज नहीं होता है, आप मैसेज में बड़ा दे दो तो छोटा क्या रहा इसमें? ये भी दे दो आई किसी को, ये बड़ा हो गया ना। चलो तुमने कवर कर दिया ना, तुमने कवर कर दिया। यार आपकी सबसे ज्यादा प्रैंक वीडियोस में ना एक लेसन होता है हमेशा। ओके, तो ये आप लोग सोच के बना रहे होते हैं या फिर एक ग्रेजुअली बन जाता है? प्रैंक अलग चीज है, रिएक्शंस अलग चीज है, बिल्कुल बिल्कुल, सोशल एक्सपेरिमेंट अलग चीज है, हेल्पिंग वीडियोस अलग है, हम चारों करते हैं बिल्कुल। और हर चीज, हर किसी में लेसन जरूर होता है। देखिए मकसद ये होता है, अगर हम किसी को एंटरटेन कर रहे हैं ना तो उसके पीछे एक मैसेज भी जाना चाहिए आवाम। बिल्कुल जरूरी नहीं की हर मजाक मस्ती और बात खत्म हो जाए, नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है, हम लोग पहले बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं। अच्छा, कि एंड में हमने कोई ऐसा मैसेज देना है कि जिससे हमारे फनी काम के जरिए लोगों को अवेयरनेस भी आए कि हमने लोगों को हेल्पिंग वीडियोस इसीलिए करते हैं। लोग बोलते हैं कि यार आप लोग इसकी वीडियो क्यों बना रहे हो, उसका मकसद ये होता है कि हम ये इसलिए बना रहे ताकि और भी लोग ये वीडियो देख के लोगों की हेल्प करें, बस ये होता है। परफेक्ट है, परफेक्ट। जो वीडियो की बात हो ही रही है, जाहिर सी बात है आपके साथ न्यू टैलेंट्स आते जा रहे हैं, लड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, अब करते हैं ना, ये तो करते हैं आपस में, करते हैं। कितनी कितनी होती है, मनाते कैसे भाई, क्योंकि साथ वैसी लड़ाई नहीं होती जो मनाना पड़े। देखिए कभी कभी ऐसा होता है शूट के दौरान हो गई ना, अगर जैसे जाहिर सी बात है हीट ऑफ द मोमेंट बहुत सारी चीजें हो जाती है। ऑफ कोर्स मैं कोई इनकी बात ये कुछ कह रहा था मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ इनको नहीं समझ, तो बंदा गुस्से में बोल देता है, लेकिन जैसे शूट खत्म हुई वापसी अबे अजमेर भाई आओ ना, मैं बताऊँ हमारी टीम में ऐसा है की कोई भी अब्बू नहीं है। अच्छा, अम्मी है? नहीं, अम्मी भी नहीं है, मतलब ये कि सब अगर जैसे नुमान भाई ने कुछ बोला तो मैंने कर दिया, मैं नुमान भाई को कुछ बोलूंगा तो वो समझते हैं, जुबैर भाई ने मुझे कुछ बोला कि यार रिजान भाई इस तरह करना है, इसमें सीनियर जूनियर वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा, सब बराबर है हमारी टीम में। ओ, तो सारी बातें यही करेंगी, भाई अजान हो जाएगी, यही बैठे जाओगे, नहीं तो आओ ना, तो कब करोगे फिर? आ जाओ भाई, जब इफ्तारी की बात हो ही रही है तो आप लोग बताएं, आप लोगों को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में मुझे बिरयानी, आपकी तो पता है ना, उनकी पूछ रही हूँ। देखे हमेशा याद रखिएगा, बुजुर्ग को पहले बैठा है, मुझे बिरयानी में नट बोल, बोटियां आज बुजुर्ग बैठे ना प्लीज, आ जाए बैठे बैठे जो मैं सामना, अरे जो वैसे इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन चले इसी की जरूरत थी, कोई बात नहीं, बस शरबत की थोड़ी कमी है। नहीं शरबत अभी भी, अभी मैं बोल देता हूँ मसला ही नहीं है, शरबत ना हो अफ्तारी में ऐसा हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बस उसकी फिर उसकी सेटिंग आपने वैसे ही बनाई हुई है, बिल्कुल बनाई हुई है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि लाइफ कितनी तब्दील हो चुकी है प्रैंक्स पर आकर और ये सारी वीडियोस पे करके वायरल होके, और लाइफ में कैसा चेंज आया उस वक्त से अब तक? देखें
तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। अच्छा, ठीक है, ये खान साहब का डायलॉग वेरी फेमस डायलॉग है और बहुत अच्छा डायलॉग है। देखें, पहले 6-7 साल पहले चले जाएं, जो लोग बात करना नहीं पसंद करते थे वो अब टाइम लेके मुलाकात करते हैं हमारे। तो ये देखें, ये अल्लाह पाक का करम है हम पे, और हमें नहीं आइडिया होता कि हम जो काम कर रहे होते हैं लोगों को इतना पसंद आएगा, लोग इंटरटेन होंगे। हमारा मकसद होता है इंटरटेन करना। बिल्कुल ठीक है, एंटरटेन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वजह ये कि आप देख रहे हैं इस टाइम मुल्क के क्या हालात हैं। बिल्कुल, हर बंदा जो है परेशान है कि महंगाई, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो उस सूरत हाल में अगर कोई हमारी 5 मिनट की वीडियो देखता है ना, तो उसके चेहरे पर अगर हंसी आ जाती है तो वो 5-10 मिनट के लिए अपना गम भूल जाता है कि भाई अभी क्या जिंदगी में चल रहे हैं। भाई वीडियो देखने के बाद बैकलैशेस आते हैं आप दोनों का, आते क्योंकि अभी तो ये तो आप तो बहुत इस चीज में है ही है सोशल मीडिया पर, लेकिन ये तो अभी नए नए आए ना, तो फिर बैकलैश। ये नए नहीं है भाई, माशाल्लाह 40 साल के हमारे भाई, नए कहाँ से हो गए जोर भाई। नहीं, मैं हमेशा ये अगर मेरे साथ हैं जुबैर भाई, तो हम कहीं बाहर भी होते हैं, आउटिंग होते हैं, अगर कोई नेगेटिव बात करता भी है ना, तो मेरे पास एक ही जवाब होता है कि मैं बोलता हूँ जरा तमीज से बात करें। नाम है जुबैर, नाम है जुबैर भाई, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तस्वीर लेनी है तमीज से अकेले, गोद में उठाना, ये करना, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी। अग्रीड, बस खत्म हो गया। मैं डायरेक्ट जवाब देता हूँ, मुझे किसी का डर ही नहीं है, मैं क्यों डरूं। नहीं, परफेक्ट है, और ऑब्वियसली रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जिस तरह के हमारे मतलब लाइक प्यार करने वाले भी बहुत ज्यादा है, 80-90% तो प्यार ही मिलता है लोगों से, 1-2% ऐसा होता है जो थोड़े से लोग होते हैं छेड़खानी करते हैं, वो समझते हैं कि जैसे हम वीडियो में है ना वैसे हम रियल लाइफ में भी है, हंसी मजाक मस्तियां चली, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में थोड़ा बंदा मुख्तलिफ होता है, हम किस उसमें जा रहे हैं, किस हमारे जहन में क्या बातें चल रही है। अब आके आप यूं पकड़ के आए तस्वीर देना भाई, अब ये थोड़ी होगा जुगर भाई, मुझे तुम्हारे समोसे पे नजर है, मैं देख रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। नहीं वैसे जान भी होने वाली है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ मजा आया बात करके। तो इन दी एंड अपने व्यूअर्स को आप दोनों एक एक छोटा सा मैसेज देते हैं। जुगर भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बताएं पहले आप। देखो यही मैसेज देना चाहूंगा कि अजान होने वाली है भाई, जो जो दस्तरखान पे बैठा हुआ है ना, तो अजान सुनते ही और रोजा खोलने मिले। ये मैसेज आपका भाई, अजान भाई, ये बंदा जो है ना, ये अभी भी मैं बता रहा हूँ, पेटीज, रोल, समोसे और जितनी भी फ्रूट चाट वगैरह सब भी आने वाला है, इनकी नजर उसमें है। उन्होंने बोला मैसेज देने के लिए तुम खाने पीने की बात करते हो, अजान के बाद मैसेज यही तो है, खाना खाना है। मेरा मैसेज देखिए ये है, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में जितना हो सके लोगों की मदद कर, ठीक है, अपने आस पास के लोगों को ज्यादा ख्याल करें। हमें नहीं पता कि हमारे आस पास के लोग किस परेशानी में, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएं, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। आगे अभी चल के ईद भी आएगी, तो ईद खुशियों से मनाएं, ये पूरा महीना खुशियों का है, रहमतों का है, तो रहमत और खुशियों से ये महीना मनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, अगेन हेल्प करें। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, रमजान मुबारक, खुदा हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब रोज़ा खोल लो भाई जल्दी से।